नहीं, मेरी वजह से की बात नहीं है, बात यह है कि इस देश में लोगों को न्याय का अधिकार है और अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक जो मंत्री हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को सारे वीडियोस में सबने पहचाना है, और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मजीत गवाह, वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे, उनके अंडर आता है ना ये सब किसानों से। तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा, बताइए। बराबर सवाल उठा रहे हैं कि हम गिरफ्तार किए, हमारा तो कसूर क्या था, हम तो गए थे सांत्वना देने जी, लेकिन जो लोग दोषी थे अभी वो लोग किसी को नहीं पकड़ा गया। तो आप बताइए, क्या ये है हमारी देश की परंपरा? क्या इसको कहते हैं न्याय? हम सब परिवारों के साथ मिले कल, तीनों परिवारों ने एक ही चीज़ की कही, हमें मुआवजा से कोई मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, और जिसने ये किया है, जो भी अपराधी है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो आपने पूरी पुलिस फोर्स अपनी निकाल दी हमें रोकने के लिए, नाकाबंदी हुई, और सिर्फ हमें रोकने के लिए नहीं, लेकिन परिवारों के इर्द गिर्द, उनके गांव के इर्द गिर्द, कि कोई आए नहीं, जाए नहीं उसके अंदर, लेकिन आपने अपराधी के लिए कोई पुलिस फोर्स नहीं निकाली? जिस दिन ये हुआ, पुलिस फोर्स कहाँ थी, क्या कर रही थी? क्या पुलिस सिर्फ नेताओं को रोकने के लिए है कि अपराधियों को रोकने के लिए? और मुझे बगैर FIR गिरफ्तार किया, कोई कागज़ नहीं दिखाया, कल तक भी कोई कागज़ नहीं दिखाया, कोई मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, जितने भी नियम हैं सारों का उल्लंघन किया मुझे गिरफ्तार करने के लिए, और इनके लिए बस FIR काफ़ी? और इन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे 6 लोगों को कुचला है? ये एक लोकतंत्र है, यहाँ न्याय आपका अधिकार है, और इसके लिए मैं लड़ूंगी जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा, जब तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी, क्योंकि मैंने उन परिवारों से वचन दिया। पुलिस हिरासत में रखने के बाद हम लोगों को यहाँ आने की इजाज़त दी गई, ये बहुत दुख की बात है कि हत्यारे को खुलेआम घूमने की छूट है, मंत्री को खुलेआम घूमने की छूट है, और अपने पद पर बने रहने की छूट है, लेकिन जो लोग शोक संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं उनको पुलिस हिरासत में रखा जाता है। 56 घंटे बाद हम लोगों को यहाँ आने की इजाज़त दी गई। परिवार से बात हुई, इसके पहले रमन कश्यप जी के परिवार से मिले थे, नक्षत्र सिंह जी के परिवार से मिले थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी तीनों परिवारों से बात की, और परिवार का ये साफ तौर पे कहना है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी कैसे न्याय मिलेगा उनको। अगर एक व्यक्ति देश के गृह राज्य मंत्री के पद पे कायम रहेगा तो आप बताइए उसके अधीन आने वाली तमाम जांच एजेंसियां कैसे जांच कर पाएंगी। जो वीडियो सामने आया है उसने देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया है, देश के अन्नदाताओं को, किसानों को कीड़े मकोड़े की तरह मंत्री की गाड़ियां, एक नहीं तीन तीन गाड़ियां कुचलती हुई चली जा रही है। 19 साल के एक नौजवान को नृशंस हत्या की गई है, हत्या मैं कहूंगा इसको, और अभी तक अगर मंत्री की गिरफ्तारी नहीं, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो सवाल यह है मोदी जी से और योगी जी से कि न्याय कहां है आपका? क्या 302 का मुकदमा किसी आम आदमी पे लिखा जाए तो वो बाहर घूम सकता है? क्योंकि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे हैं, इसलिए उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मंत्री जो 25 सितंबर का उसका वीडियो है जिसमें खुलेआम वो धमकी दे रहा है और कह रहा है कि लखीमपुर तो छोड़ो, पूरी दुनिया छोड़नी पड़ेगी, और उसने दुनिया छुड़वा दी। मैं समझता हूं कि अगर जरा से भी न्याय का कोई भरोसा दिलाना चाहते हैं मोदी जी और योगी जी, तो इस मंत्री को बर्खास्त करें, इसकी गिरफ्तारी करें, इसकी बेटे की गिरफ्तारी करें, और परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हों और उनको न्याय का भरोसा दिलाएं। सरकार ने कुछ किया नहीं, न राज्य सरकार न केंद्र सरकार, इतने भारी भक्कम एविडेंस सामने आ गए, वीडियो सामने आ गए, किसानों को और पत्रकार कश्यप को किसने रौंदा है, किसने कुचल दिया है, किसने मारा है, ये सब कुछ सामने आने के बावजूद केंद्र सरकार किसको बचा रही है और क्यों बचा रही है?
ये कौन सी जिद है, कौन सी है सरकार? किसानों को मारने वाले इनको जो हत्यारे हैं, आप उनको समर्थन दे रहे, आप उसको बचा रहे हो, लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उस बारे में सुनवाई सुमोटो करने का फैसला किया है। ज़रूर जो किसानों की हत्या हुई है उनको भी, जो पीड़ित परिवार है उनको भी उससे न्याय मिलेगा, आशा की किरण अब दिखने लगी। जिस तरह से इस देश पर किसानों को ऊपर, मजदूरों को ऊपर, गरीबों को ऊपर दिन ब दिन हमला हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, उसका एक निषेध, उसका धिक्कार करने के लिए, किसानों के साथ हमारी संवेदना जताने के लिए महाराष्ट्र की जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है, उसने 11 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया, जिसमें शिवसेना है, कांग्रेस है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। और मुझे लगता है ये कोई राजनीतिक बंद नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है देश के सभी नागरिकों का। जिस तरह से हमारे देश में गाजीपुर से हरियाणा तक और कल लखीमपुर खीरी तक जिस तरह से किसानों की हत्याएं हो रही है, तो देश को दिखाना पड़ेगा कि हम सब किसानों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.